हेलो स्टूडेंट, हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 टर्म 2 का जो आपको सब्जेक्टिव पेपर का सेट मिला हुआ है झारखंड बोर्ड से, उसका सेट नंबर 1 का 1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको बनाना क्या है 5। और ये बेसिक बात यहाँ क्या है कि इसमें कोई साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स सभी सेक्शन के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, ओके। और ये इकोनॉमिक्स आपके लिए हेल्प करेगा। चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है। कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच एवरेज विल बी सुटेबल टू फाइंड आउट द एवरेज वेज इन द फैक्ट्री। अब देखो, किसी फैक्ट्री में एवरेज वेजेस को जानने के लिए कौन सा एवरेज का यूज करेंगे हम लोग, तो वो है मीन। मीन प्रोसेस जो है, आंसर इसका हो गया है यहां पर, मीन इज सुटेबल टू फाइंड आउट द एवरेज वेज इन द फैक्ट्री। अब मैं बताऊं, मीन का एक फॉर्मूला होता है, उसमें क्या होता है कि सम ऑफ द वेजेस ऑफ द लेबर, जो भी उसमें लेबर काम कर रहे हैं उसके सारे के समेशन सबको जोड़ देना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ द लेबर इन द इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में जितने टोटल नंबर ऑफ लेबर है उससे डिवाइड कर दो तो आपको मीन मिल जाएगा। बेसिकली हम लोग क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी में पढ़ते आ रहे हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड। और आपके पूरे इकोनॉमिक्स के सेट्स में आपको मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये इसके 5 मार्क्स के 3 मार्क्स के क्वेश्चन बने पड़े हैं, ठीक है। अपन देखेंगे धीरे धीरे, पहले इसको जान लेते हैं। अब मीन के बारे में एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कितने 4 लेबर है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। सो क्या बोला, सम ऑफ द वेजेस ऑफ द ऑल लेबर, ठीक है। तो कितने लेबर है, 4 तरह के, तो सबको ऐड कर दो। सबको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, 4 × 3 = 7 + 2 = 9 + 1 = 10। टोटल नंबर ऑफ लेबर के समेशन कितने हुए, 10। टोटल नंबर ऑफ लेबर कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड कर दो, ये इसका मीन निकल गया। इस तरह इसका आंसर निकलता है। अपन इसके क्वेश्चन भी देखेंगे, सेक्शन बी और सेक्शन सी में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए, ओके। अभी हम लोग फिलहाल 1 नंबर के लिए समझ लेते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, विच एवरेज विल बी सुटेबल टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ वेज इन अ फैक्ट्री इज नोन एज मीन, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज राइट 1 डिमेरिट ऑफ मीन डेविएशन। अब देखो, मीन डेविएशन का 1 डिमेरिट क्या होगा, इसका 1 डिमेरिट सिंपली क्या है, इट इज नॉट कैपेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए ये कैपेबल नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है, इट वायलेट्स द एल्जेब्रिक प्रिंसिपल बाय इग्नोरिंग द प्लस साइन एंड माइनस साइन व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेविएशंस ऑफ द डिफरेंट आइटम फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सीरीज। किसी भी सीरीज के सेंट्रल वैल्यू से जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग डेविएशन, तो वो किस चीज को इग्नोर कर जाता है, प्लस और माइनस वाले साइन को। मतलब ये प्लस और माइनस वाले साइन में डिटेक्शन नहीं कर पाता, इसलिए ये इसे क्या बोलते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कैपेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। मतलब कि इसके आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1 डिमेरिट, इट इज नॉट कैपेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, दैट्स इट, ओके। ये उसको वायलेट नहीं करता है, प्लस और माइनस वाले साइंस में इसको इशू होता है। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। अब सिंपल सा लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमें बताना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है, इस वाले सेक्शन को, ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, इसे कहते हैं समेशन। मतलब सभी सेक्शन के सम को, जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाले सम ऑफ द वेजेस ऑफ ऑल द लेबर सभी को जोड़ दिया, उसी तरह ये है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, लेस्पियर इंडेक्स नंबर का, समेशन ऑफ प्राइस एट ऑब्जर्वेशन पीरियड, समेशन ऑफ ऊपर वाले सेक्शन में प्राइस एट ऑब्जर्वेशन पीरियड इनटू
बेस क्वालिटी अपॉन समेशन ऑफ प्राइस एट बेस पीरियड. यहां पर क्या है ऑब्जर्वेशन पीरियड, यहां पर क्या है प्राइस एट बेस पीरियड इनटू बेस क्वालिटी. दोनों में बेस क्वालिटी से इनटू करना है, बट इसमें क्या है प्राइस ऑफ ऑब्जर्वेशन पीरियड उसका समेशन, इसमें क्या है प्राइस एट बेस पीरियड इनटू बेस क्वालिटी. जब दोनों को हम लोगों ने निकाल लिया समेशन इतना बाई इतना, उसको इनटू करेंगे हम लोग 100 से, फिर हमें क्या मिल जाएगा लेस पीयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, दैट्स इट. चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. हु इज कॉल्ड क्रॉनिक पुअर. अब देखो क्रॉनिक पुअर के बारे में क्या बोलते हैं कि इसका एक स्टेटमेंट है, वैसे लोग जो हमेशा गरीब रह जाते हैं. क्या होते हैं हमेशा ताउम्र गरीब रह जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्रॉनिक पुअर. पीपल हु आर लीडिंग कॉन्स्टेंट लाइफ ऑफ द पॉवर्टी. गरीबी की एक कॉन्स्टेंट लाइफ जी जाते हैं पूरे समय. एंड हु आर नॉर्मली पुअर, जो जनरली क्या है गरीब है, बट हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ ए मनी विद देम. उन लोगों के पास छोटा अमाउंट ऑफ मनी पैसा होता है, हमेशा थोड़े थोड़े पैसे होते हैं उनके पास. बट बेसिकली क्या है पीपल हु आर लीडिंग कॉन्स्टेंट लाइव्स ऑफ पॉवर्टी. बस यही इसका बेसिक आंसर है क्रोनिक पुअर का, कि पीपल हु आर लीडिंग कॉन्स्टेंट लाइव्स ऑफ पॉवर्टी एंड हु आर नॉर्मली पुअर बट दे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी विद देम एवरी टाइम. ओके सो नेक्स्ट व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल. अभी ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ये बेसिक क्या है ना ह्यूमन कैपिटल, आपके अंदर क्या स्किल्स है एबिलिटी है, आपके पास कितने नॉलेज है, उसके थ्रू आप कितनी जल्दी से किसी भी सेक्शन को या किसी भी इंडिविजुअल टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं और कितनी प्रोडक्टिविटी से उसको खत्म कर सकते हैं. बस यही स्टेटमेंट है ह्यूमन कैपिटल का. देखो बोलता क्या है कि ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज. देखो बेसिक वही है, आपका स्किल आपके एक्सपर्टीज आपका एजुकेशन आपका एबिलिटी, वो बताता है कि आप कितना जल्दी किसी भी वर्क को प्रोडक्टिवली और कितनी जल्दी उसको फिनिश कर सकते हो. ठीक है तो देखो क्या बोलता है, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू द स्किल एंड एक्सपर्टीज दैट अलाउ द इंडिविजुअल्स टू डू देयर वर्क टू डू देयर टास्क मोर प्रोडक्टिवली. अब क्या करता है, जो भी स्किल एक्सपर्टीज आपके एजुकेशन का नॉलेज और आपके आपकी जो एबिलिटी है उसके हिसाब से आप किसी भी इंडिविजुअल टू डू देयर वर्क टास्क मोर प्रोडक्टिवली, जो भी टास्क आपको मिला जाए उसको आप कितनी अच्छी से और प्रोडक्टिव वे में खत्म कर सकते हो, उसी के क्या बोलते हैं उसी के स्किल्स और एक्सपर्टीज को हम अपन क्या बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, अपने अंदर क्या है. ओके सो देखो बेसिकली पेपर तो आपको लिखना होगा, कुछ लोग हिंदी में लिखेंगे कुछ लोग इंग्लिश में लिखेंगे. जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं उनका हिंदी तो पहले से अच्छा होगा. ठीक है प्लस जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप हिंदी में समझो और इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिखो. ऐसा नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसे आप इसी के लैंग्वेज में लिखोगे. आप समझ जाओ ना ह्यूमन कैपिटल क्या है. बेसिकली एक जो भी पर्सन है उसका एबिलिटी उसके एक्सपर्टीज और उसके एजुकेशन के नॉलेज को यूज करके जो भी उनको काम दिया जाए इंडस्ट्री में या जहाँ भी, उसको जितना भी प्रोडक्टिव वे में और इजी प्रोडक्टिव वे में खत्म कर देंगे उसे क्या बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल. ओके डन. चलो पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट द नेम ऑफ एनी टू सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट. अब देखो ये जो रूरल क्रेडिट है ना ये बेसिकली दिया जाता है किसानों को. जितना भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग है ना, किसान किसानी करते हैं, उन लोगों को इस तरह का क्रेडिट दिया जाता है. जैसे कि बोला गया है कोई दो सोर्स बताइए, तो मैं यहाँ पे आपको चार सोर्स का सेक्शन बताता हूं. एक क्या है कॉमर्शियल बैंक, इन लोगों के लिए कॉमर्शियल बैंक होता है, रीजनल रूरल बैंक होता है, लैंड डेवलपमेंट बैंक होता है और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज. अब देखो ये सब सारे बैंक्स क्या करते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर है लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये क्या करते हैं आपके जमीन की सिंचाई
और भी बहुत सारे सेक्शन के लिए आपको लोन देते हैं, ठीक है। सो और ये कॉमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, रीजनल रूरल बैंक सारे एग्रीकल्चर वाले सेक्शन से जुड़े हुए हैं। कुछ जगह से आप अपने, जैसे कि जिन लोगों को बीज खरीदना हो, लाइक लैंड डेवलपमेंट क्या बता गया कि आपके जमीन की सिंचाई के लिए आपको जो कुछ भी आपका उन लोगों का किसान और एग्रीकल्चर वाले फील्ड के लिए उन लोगों को पैसा चाहिए होता है, वो लोग यहाँ से ले सकते हैं रूरल क्रेडिट। तो क्या होता है, पहला कॉमर्शियल बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक, तीसरा लैंड डेवलपमेंट बैंक, चौथा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। ओके, एक नंबर का क्वेश्चन है, इतना ज्यादा इसके लिए सोचना नहीं है, अपन ऐसे लिख देंगे। ओके चलो नेक्स्ट, लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये यहाँ है, व्हाट वाज द एम ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड बेसिकली एग्रीकल्चर के फील्ड के बारे में है, वो भी कैसा, चाइनीज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज दैट, क्या बोला गया, द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द ग्रेट लीप फॉरवर्ड वॉज दैट, पहला द रेपिड डेवलपमेंट ऑफ चाइनाज एग्रीकल्चर, चाइना के एग्रीकल्चर के रेपिड डेवलपमेंट के लिए इसका बेसिकली आइडिया था ये, और दूसरा उसी के इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड टेक प्लेस इन पैरेलल, एग्रीकल्चर के साथ साथ वो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी पैरेलली लेकर चलना चाहते हैं। सो द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द ग्रेट लीप वॉज दैट द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ चाइनाज एग्रीकल्चर एंड द एंड पैरेलली इंडस्ट्रियल सेक्टर शुड टेक प्लेस, उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी साथ में लेकर चलना था और एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में रैपिड डेवलपमेंट चाहिए था उन लोगों को। तो बेसिकली ये द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इसी के लिए सेंट्रल आइडिया का काम करता था। सो ये रहा आपके इकोनॉमिक्स का सेक्शन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये आपके आर्ट्स वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं और साइंस वाले भी देख सकते हैं। सो मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि आपका पेपर 16 से स्टार्ट हो रहा है, सो आप लोग इसे देखो, समझो, और एक मार्क्स का क्वेश्चन है, कोशिश करना जितना भी शॉर्ट में लिख सकूं। मैंने इसको इसलिए इतना क्लियरली बताया है क्योंकि अगर आपके दिमाग में एक बार भी ये चढ़ गया, इन सभी तरह के क्वेश्चन, क्या है क्रॉनिक पुअर, क्या है वो लोग जो पूरी जिंदगी गरीब रहते हैं, एक कॉन्स्टेंट लाइफ जीते हैं पॉवर्टी का, और ह्यूमन कैपिटल क्या है, आपकी एबिलिटी पे बात करता है, जितने भी आपके स्किल होंगे, एक्सपर्टी होंगे, एजुकेशन का जितना भी नॉलेज होगा उसको यूज़ करके आप किसी भी टास्क को कितनी जल्दी और कितने प्रोडक्टिव वे से ख़त्म कर दो, दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। रूरल क्रेडिट के किसी भी सोर्स के बारे में, तो कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। नेक्स्ट द एवरेज, एवरेज निकालने का बाद जब कभी भी आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, मीन से डिनोट करेंगे, और मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वेजेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्या लेबर। नेक्स्ट वन डिमेरिट ऑफ मीन डेविएशन, इसका एक ही डिमेरिट है, एक डिमेरिट बेसिकली जान लो, एक ही है ये पहला और बाकी सारे होंगे। इट इज नॉट कैपेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, विच मीन्स प्लस और माइनस साइन में डिटेक्ट नहीं कर पाता है और इसमें इशू होता है। What is the Les Peirce price index number, that is summation of price of observation period into base quality upon summation of price of base period into base quality into 100, that's it, is it clear? So अभी अपन इसके सेक्शन के सेट वन के एक मार्क्स का क्वेश्चन देख लिया, सेट टू और सेट थ्री का एक मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद अपन सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ चलेंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स है आपके, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको अपन डील करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।